वेलकम बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर है और इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में वर्क एनर्जी एंड पावर इंडिपेंडेंटली हम तीनों को पढ़ते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। हालांकि फिजिक्स में वर्क की तो थोड़ी प्रिसाइज मीनिंग होती है, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाइड और हो जाता है। पावर में कई कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक दिन में 14 से 16 घंटे काम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार बड़ी एनर्जी है उस बंदे में, ही इज हैविंग गुड एनर्जी। तो देखो एनर्जी वहां आ गया। कोई बहुत तेज दौड़ रहा है, लगातार काफी देर तक दौड़ रहा है, तो बोल देते हैं बहुत एनर्जी है। चार बार सीढ़ियां चढ़ गया, उतर गया, बोलते हैं यार बहुत एनर्जी है। बहुत तेजी से पंचेस मार रहा है एक बॉक्सर, कहते हो बड़ा पावरफुल पंचेस है। तो देखो पावर भी आ गया, फोर्स तेजी से वेलोसिटी से मारा उसने, पावर आ गया। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी के टर्म में आ गया। तो वर्क एनर्जी और जो पावर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला आपको। एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा। ये जो इंट्रोडक्शन तो यही रहा कि व्हाट इज वर्क। कई बार एक बंदा कुछ सामान लेके अपने सर पे जाता है तो प्रैक्टिकली वो मैथमेटिकली फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं करता, बट थक जाता क्योंकि उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं, तो वहाँ मस्कुलर एनर्जी खर्च होती है, बंदा थक जाता है। तो कई कई बार आपको वर्क दिखेगा नहीं, बट एक्चुअल में वर्क हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल मसल्स में वर्क हो रहा होगा और उसका जो रिजल्ट दिखेगा वो लॉस इन एनर्जी दिखेगा। कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जिन पर अगर हम वर्क करें तो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं और वो वापस हमें मिल सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब जो स्केलर प्रोडक्ट होगा बेटा, बेसिकली वेक्टर जो चैप्टर होता है, मैंने इसके तीन चार वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, काइनेमेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में होंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। एनसीईआरटी हर चैप्टर में ज़रूरत के हिसाब से वैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। इस चैप्टर में उसने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट रखा है। आगे आने वाले चैप्टर में उसने टॉर्क, जहाँ पर रोटेशन होगा रिजिड बॉडी का, वहाँ पे उसने क्रॉस प्रोडक्ट रखे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगली हेडिंग है 6.11 द स्केलर प्रोडक्ट। हालांकि एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है इसका कुछ खास अलग से नहीं है। कोई भी वेक्टर का दो, एक स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं, ए डॉट बी, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो स्केलर निकलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का स्टार्टिंग, ऐसे में स्टार्ट करते हैं। अब कुछ और चीजें जान लो, जैसे कुछ केसेस ले लेते हैं। इफ थीटा इज 0 डिग्री तो ए डॉट बी ए बी हो जाएगा, बिकॉज कॉस 0 1 होता है और ये मैक्सिमम है। केस 2, थीटा इज 90 डिग्री, ए डॉट बी 0 क्योंकि कॉस 90 1 होता है, जीरो होता है। केस 3, थोड़ा सा हल्का सा डिफर कर रहा हूं, चीजें वही है एनसीईआरटी वाली। इफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो कॉस 180 होता है -1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -ab। अब कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ए डॉट बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये हो जाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी।
एक और छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हो गया। एक दो छोटी चीजें और, जैसे कि यूनिट वेक्टर आई कैफ होता है एक्स वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, जे वेक्टर होता है वाई अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, के वेक्टर होता है के जेड अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड बेटा सब को पता है ये वन होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट यूनिट वेक्टर। छोटी छोटी चीजें हैं तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी भी मूव कर सकते हैं। तो आई डॉट आई अगर कहीं आए तो दोनों के बीच में जीरो डिग्री और मैग्नीट्यूड वन तो वन, इट इज जे डॉट जे एंड इट इज के डॉट के। जिस बच्चे को भी थोड़ा डाउट हो तो ऐसे लिख सकता है ए डॉट ए ए ए कॉस जीरो, ए स्क्वायर कॉस जीरो वन होता है। तो यहां पे बेटा हमने यूनिट वेक्टर लिया तो यूनिट का स्क्वायर यूनिट ही रहेगा, यूनिट मतलब वन। ऐसे ही अगर आई डॉट जे यानी दो परपेंडिकुलर एक्स वाई या जे डॉट के या के डॉट आई हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब एक छोटा सा और इसको ए ए आई जे के टर्म में हम लोग डॉट प्रोडक्ट देखते हैं जरा, वो इंपॉर्टेंट है और काम आएगा आपके। तो जो चीज आपके काम आए चैप्टर के आगे भी उसको तो हमें अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट मैं सारे बच्चों को रिकमेंड करूंगा वेक्टर को आप मेरे प्लेलिस्ट में जो वेक्टर के वीडियोस हैं उसको देख लीजिए, उससे काफी हद तक आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ये तो मैं एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूं तो हैव टू फॉलो एनसीईआरटी सीक्वेंस, समटाइम यू नो थोड़ा बहुत वेरिएशन लाता हूं बट 99% एनसीईआरटी रहती है, और टर्मिनोलॉजी भी मैं कोशिश करता हूं एनसीईआरटी लेके चलो, समटाइम इट इज नॉट नो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी लेकिन मैं कोशिश करता हूं। तो अब एक केस लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, बी वेक्टर इज बी वन आई बी टू जे एंड बी थ्री के। अब बेटा मुझे ए डॉट बी निकालना है तो रूल कहता है सीक्वेंस में चलो, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है आई आई के साथ, ए वन बी वन जो स्केलर क्वांटिटी उनको अलग कर लो, आई डॉट आई ये जो बीच में डॉट है ना वो वेक्टर के बीच में लगेगा, फिर ए वन को बी टू के साथ, आई डॉट जे फिर ए वन को बी थ्री के साथ, अब मैं बोलूंगा नहीं लिख दूंगा शायद डायरेक्ट, आपको पता है i डॉट जे जीरो i डॉट के जीरो जे डॉट के जीरो जे डॉट आई जीरो के डॉट आई जीरो के डॉट जी, तो सब जीरो है, बीच में एक एक पॉइंट बचा हुआ i डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन। तो ओवरऑल देखा जाए तो a डॉट b विच इज a वन आई a टू जे ए थ्री के बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, ये आएगा ए वन बी वन आई आई वाला, ए टू बी टू जे जे वाला, ए थ्री बी थ्री के के वाला। तो ये इसका स्केलर प्रोडक्ट हुआ।
सभी बच्चे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी कर ले। अब एक और छोटा सा हेडिंग है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे बोला जाए आप परछाई समझ लो, ये वेक्टर है, इस पर टॉर्च जलाओ तो प्रोजेक्शन क्या आएगा। मान लो ये बी वेक्टर है, अब इस लाइन पे इसका प्रोजेक्शन देखना हो तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा, मान लो थीटा है, ये प्रोजेक्शन है। जब आप प्रोजेक्शन डालते हो तो एक तरह से ये मान लो बी का एक्स कंपोनेंट हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लो एक्स है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बी एक्स हो गया कॉस थीटा, तो प्रोजेक्शन थीटा की तरफ कॉस थीटा। रट लो चाहो तो, मान लो ऐसे एक एक वेक्टर ये, इसको हमें इस लाइन पे प्रोजेक्ट करना है, तो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और ये बेटा थीटा की तरफ कॉस थीटा, तो थीटा की तरफ प्रोजेक्शन कॉस थीटा, दूसरी तरफ प्रोजेक्शन साइन थीटा। सोचिएगा कैसे, तो ये इतना इसमें ऐड करना था मेरे को। अगला हेडिंग है बेटा 6.2, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। बिलीव मी, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है बेसिकली इस पूरे चैप्टर की जान है। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्या 100% भी बोलो तो इसी पे बेस्ड होते हैं। आगे आके एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप पढ़ोगे तो वो भी इसी पे बेस्ड है बेटे। अच्छा, ये हम लोग ऐसी चीज जो आपको एनसीईआरटी में दी अच्छी है, मतलब कई बार एनसीईआरटी बहुत बेसिक भी दे देता है कि जानने के लिए, जिससे बच्चा सीखे। तो आपको पता है फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए डॉट एस लिख सकते हैं, वेक्टर बना दिया। वी स्क्वायर में अगर मैं टू इधर ले आऊं इसको मैं ले आऊं मास मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया मास मल्टीप्लाई करते ही बेटा ये हो गया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये बिकॉज एम इन टू ए नेट फोर्स हुआ, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए डॉट पढ़ाया गया है। तो वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, नेट फोर्स ही एम ए होता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम का। इसके बाद हमारी हेडिंग होगी वर्क डन। अब हम लोग पढ़ते हैं 6.3 वर्क। वर्क अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, बेसिकली ये एक बॉडी पे कोई फोर्स अगर एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स से होने वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो वर्क डन में कंसीडर किया जाएगा। तो वर्क डन को हम डिफाइन करने के लिए, हमें मान लो एक बॉडी है हमारे पास, ऐसे फोर्स लग रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड डी डिस्टेंस, तो वर्क होगा बेटा एफ कॉस थीटा इंटू डी। अब ये कॉस थीटा क्या, कहां से आया कॉस थीटा, यहां से आया डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, तो एफ डी कॉस थीटा, जिसे तुम एफ डॉट डी वेक्टर कह सकते हो। वर्क होता तो स्केलर है बट हम ऐसा कह सकते हैं, वर्क स्केलर है
बट हम ऐसा इसको कह सकते हैं। ऐसे f डॉट d। अब इसके डिफरेंट केसेस आपके बुक में दिया हुआ है जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हैं। केस वन ले लो, इफ d जीरो कितना भी फोर्स हो वर्क जीरो होगा। केस बी ले लो, इफ फोर्स और d पैरेलल है तो वर्क मैक्सिमम होगा और ये एफ डी होगा। सी ले लो, एफ एफ और डी परपेंडिकुलर है तो बेटा वर्क जीरो होगा, 90 डिग्री पे कॉस थीटा जीरो हो जाता है। अगर एफ एंटी पैरेलल हो डी के तो वर्क मिनिमम होता है और वो माइनस एफ डी होता है। तो इस तरह से आप लोग को वर्क डन की छोटी मोटी डेफिनेशंस ऐसे आप देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी देखते हैं 6.4। कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टैंडर्ड सिचुएशन का आई नो बड़ी चीज, एयर मॉलिक्यूल बहुत छोटी चीज, रनिंग एथलीट, बुलेट, रेन ड्रॉप, क्या हो सकता है, किस रेंज में हो सकता है वो देखा है। काइनेटिक एनर्जी बेटा हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यूनिट वाइज जो वर्क की जूल या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर होता है तुम्हें पता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v डॉट v। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे दोनों से लिख सकते हो आप। काइनेटिक एनर्जी के जो यूसेस होते हैं वो सिंपल यूसेस होते हैं, लाइक एक बॉडी रन कर रही है उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एक बॉडी रेस्ट कर रही है उसकी एनर्जी कितनी हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बाद अगली हेडिंग है वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। मैं फॉलो करना चाह रहा हूं वही का वही। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार 2000 किलो का रफली, 1000 किलो की भी होती है, 25 मीटर पर सेकंड मान लो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी 10 टू द पावर 5 के रेंज का होगा, और रनिंग एथलीट 10 टू द पावर 3 के रेंज का होगा, बुलेट 10 टू द पावर 3, ऑल द मास इज वेरी लेस बट स्पीड का फैक्टर स्क्वायर में हो जाता है, इसलिए बुलेट की काइनेटिक एनर्जी रनिंग एथलीट के ऑलमोस्ट बराबर हो गई है। रेन ड्रॉप बहुत कम होती है, स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते आप इतनी माइनस थ्री के रेंज की, एयर मॉलिक्यूल मास इतना कम होता है, कितना भी स्पीड से वो फ्लो करे तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम रहती है, इग्नोरेबल रहती है। अब 6.5 है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्सेस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स है या फोर्स फोर्स है, जैसा आपके एनसीईआरटी में मैं सोच रहा हूँ वैसा ही बताऊँ। कई बार फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होती, थोड़े एग्जाम्पल के लिए आप स्प्रिंग का फोर्स मान लो, वो के इंटू एक्स होता है, सो एक्स इज वेरिएबल। तो जब फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होती है तो ये जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ये आता है। और ऐसे केस में हम लोग मान लो एक छोटा सा, मैं इसको हटा देता हूँ, एक छोटा सा आप लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ले लें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ले लें। वेरिएबल फोर्स है, अगर वेरिएबल फोर्स है तो एक्स के साथ वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो ये एक फोर्स है तो हम छोटे छोटे पार्ट का वर्क निकालेंगे, इतने पार्ट का, अब इतना लॉस है हमारे लिए इतने पार्ट का, ऐसे छोटे छोटे बुले एक बिल्डिंग्स बनाएंगे ऐसे। ये तरीका होता है टू मिनिमाइज द एरर, ये तरीका होता है बेटा टू मिनिमाइज द एरर। ये देखो इस पार्ट का, ये इस पार्ट का, अब ये मिसिंग है। तो वर्क डन छोटे से पार्ट का फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फोर्स है और ये बेटा डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम वर्क पूरा वर्क निकालें तो होगा एफ डेल्टा एक्स प्लस वन, एफ डेल्टा एक्स टू, एफ डेल्टा एक्स थ्री, इसे वन बोलो इसे टू बोलो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ डेल्टा एक्स I टू F, I मतलब इनिशियल और F मतलब फाइनल, I मतलब इनिशियल बेटा, F मतलब फाइनल।
हम इसको चाहो तो एक्स आई टू एक्स एफ लिख सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा सा इफ फॉर वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट देखो बच्चों, मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे, बेसिक मैथमेटिक्स वाले वीडियोस में जाइएगा तो मैं बता चुका हूं, जब हम एरिया निकाल रहे थे तो इतना इतना लॉसेस आ रहा था क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है। तो जब हम टेढ़े मेढ़े कर्व का एरिया निकालते हैं तो रेक्टेंगल जब बनाते हैं तो कुछ एरिया छूट जाता है। तो अगर हम इसको बहुत छोटा छोटा स्लीक एकदम लाइन जैसा पतला पतला स्ट्रिप लें तो शायद जैसे इसी को दो पार्ट में तुम बांट लो, अगर तुम इसको दो पार्ट में बांट लोगे तो यू विल गेट टू बिल्डिंग्स और एक रेक्टेंगल ये मिलेगा। इट मीन्स यू विल बी मोर एक्यूरेट नाउ। देखो ना, अब ये एरिया तुमने और मेजर कर लिया, अगर एक बिल्डिंग और बना लो तो यू विल बी मोर एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो अगर हम लोग इस डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दें, इतना छोटा कि एकदम बिल्कुल लाइन होने वाला है, तो ये जो वर्क डन है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो सिग्मा एफ डेल्टा एक्स आई से लेके डेल्टा एक्स एफ तक, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फोर्स कैपिटल में है, सॉरी एफ डी एक्स, और तुम चाहो तो एक्स आई से एक्स एफ लिख सकते हो। तो वेरिएबल फोर्स जो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एफ डी एक्स, ये डी एक्स बोलने लगते हैं, इसे आप लिख सकते हो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अब बेटा 6.6 हेडिंग है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो क्या करेंगे? आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी बोथ द साइड, तो डी के अपॉन डी टी डी बाई डी टी वी स्क्वायर, डी बाई डी टी वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v डी वी बाई डी टी। अब बेटा यहां से dv by dt को तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, अब इसको हम dk लिख देते हैं, हाफ तो कैंसिल ही हो गया, गुड। dv by dt को एक्सेलरेशन और v, अब जो v है उसे हम ds by dt लिख सकते हैं, और ये dt इधर आ गया, चाहो तो यहीं रहने दो, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। v को बेटा dx by dt लिख सकते हो। अब ये dt dt कैंसिल कर सकते हो, इट इज नॉट जीरो। ma को फोर्स लिख दो। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करके यहां लिखने वाला हूं मैं, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एफ डी एक्स आई टू एफ इट इज वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्सेस, नेट फोर्स। Thank you.
तो ये 6.6 है, इसके बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स भी आ रहे हैं। तो आपको जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि एग्जांपल्स का वीडियो अलग होगा, एग्जांपल्स कंसीडर किए जाएंगे और अनसॉल्व कंसीडर किए जाएंगे, वो जब आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, मजा आएगा आपको। तो ये वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट वन यहाँ खत्म हो गया। पार्ट टू में मैं पढ़ाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, वो एक अलग से अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। फिर उसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे तीन पार्ट में ये पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो। अगर ये पसंद आए तो ज़रूर आप जुड़िए, हमारी वेबसाइट से जुड़िए, उस वेबसाइट का नाम है justphysics.in। बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होने वाली है, तो लॉन्चिंग के बाद और डिटेल उसके बारे में हम बात करेंगे। और NCERT सीरीज़ में अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।